नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। प्रयागपुर में भाजपा सरकार की नीतियां आ रही पसंद, लोग ले रहे सदस्यता। बता दें कि आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिले के अलग अलग स्थानों पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पदाधिकारियों ने बताया कि लोगों को भाजपा की नीतियां पसंद आ रही हैं, जिससे लोग बहुत तेजी से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उसी क्रम में आज विधानसभा प्रयागपुर के अंतर्गत फूपगंज बाजार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल प्रयागपुर के मंडल अध्यक्ष माननीय सुशील कुमार उर्फ किंचू मिश्रा जी के द्वारा सदस्यता कैंप लगाया गया, जिसमें क्षेत्र में सैकड़ों लोग आकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया है। इसके साथ ही साथ सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को माननीय प्रयागपुर मंडल अध्यक्ष सुशील कुमार मिश्रा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया, तो वहीं पर भाजपा की सदस्यता कारक लोगों ने बताया, हम लोग भाजपा सरकार से बिल्कुल संतुष्ट हैं और इस बार भी भाजपा की सरकार बनाएंगे। माननीय मंडल अध्यक्ष जी सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों का आभार प्रकट किया। मंडल अध्यक्ष सुशील कुमार मिश्रा जी ने सदस्यता कैंप में अभियान में विपिन तिवारी, आनंद मिश्रा, पुंडरिक शुक्ल, पुनीत तिवारी, प्रवीण तिवारी आदि लोगों ने भाजपा की सदस्यता दिलाने में उनका सहयोग किया। लाइव टीवी समाचार के लिए प्रयागपुर से संवाददाता शीतल प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। सदस्यता अभियान कैंप लगाकर प्रयागपुर मंडल के किंचू मिश्रा जी, जो कि भाजपा मंडल के अध्यक्ष भाजपी उम्र के प्रयागपुर के हैं, और यहां पे जो है प्रयागपुर भूपगंज बाजार में आज अपना कैंप लगाकर सदस्यता अभियान चला रहे हैं, सभी को सदस्यता दिला रहे हैं। जिस तरह सरकार की नीतियों को बाखूबी अच्छे से सभी को समझा भी रहे हैं और आपको हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर सभी को मिस कॉल के द्वारा भाजपा से जोड़ा भी जा रहा है और भाजपा के किए गए कार्यों को भी समझाया जा रहा है। जिस प्रकार सदस्य बनकर आप एक भाजपा की नीतियों को समझें और बाखूबी अपने आप को भी पहचान बनाने की, एक सदस्यता अभियान का जो कैंप लगाया गया है, इसमें लोगों को ये भी दिखाया जा रहा है कि हर सरकार की अपेक्षा इस सरकार में कितना। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी।